ऑल राइट गाइस, सो क्वेश्चन आया है कि भाई सर मेरा रेप केस चल रहा है 3 सालों से। अब मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि हमें शादी करना, मतलब तुम्हारी शादी करनी है, तो क्या मैं उनको बताऊँ मेरा रेप केस चल रहा है या नहीं? तो यार देखो, मैं तुम्हें 2 कंडीशन बताऊँगा, मैं ये नहीं कहूँगा, बस मैं तुम्हें 2 फेज़ बताऊँगा, ठीक है? फेज़ 1 फेज़ 2, फिर तुम देख लेना तुम्हें बताना है या नहीं बताना। एक दिन क्या हुआ, हाँ एक दिन मैं और मेरा दोस्त हम होटल पे खाना खाने गए, खाना खा रहे थे हम बिल्कुल बढ़िया। तो वहाँ एक कपल आया, कपल ने बोला कि भाई खाना पैक कर दो, मतलब उन्होंने बोला पहले खाना लगा दो, तो वो लगा दिया। फिर उनका मन हो गया कि नहीं यार खाना नहीं चाहिए, हमें पैक करना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि हमारा खाना पैक कर दो। तो जो होटल वाला था ना, उसने क्या करा, वही खाना जो उसके लिए लगाया था वो पैक नहीं करा, वो क्या करा, दूसरे बंदे को देने की कोशिश करी कि लो जी आपके लिए। तो जो वहाँ बंदे बैठे थे ना, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला कि नहीं दूसरा लगाओ हमारे लिए, हम इनका वो नहीं खाएंगे ना। अब देखो वो झूठा भी नहीं था, समझ रहे, वो झूठा भी नहीं था, खाना नॉर्मल था, वो बस लगाया उनके लिए तो दे उनको दिया, लोगों ने वो भी नहीं खाया। तो तुम ये देखो, अगर तुम ये बताओगी कि मेरा रेप केस चल रहा है तो तुमसे कौन शादी कर लेगा? जब लोग झूठी नहीं नॉर्मल थाली नहीं खाते किसी की, तो वो इसका झूठा बर्तन कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे, समझ रही हो? अगर तुम बताओगे मेरा केस चल रहा है तो वो एज्यूम्शन लगा ले भाई ये तो फिजिकल इसने करा है, फिजिकल किया है, और इसने तो भाई तो लीगल वाली लड़की है भाई, ये तो केस ही करती रहती है, जब इसको नहीं छोड़ रही तो हमें क्या छोड़ेगी। तो इसका क्या है, इसका सार निकलता है कि तुम्हें नहीं बताना चाहिए, ठीक है? इसका सार ये है कि तुम्हें नहीं बताना चाहिए कि तुम्हारा केस चल रहा है, एक बार शादी हो जाए फिर बाद में देखा जाएगा। अब इसका दूसरा फेज़ ये है कि तुम्हें बता देना चाहिए, क्योंकि कल को मान लो शादी होगी फिर पता चलेगा, ठीक है, फिर पता चलेगा। हालांकि डाइवोर्स तो नहीं होगा, इस चीज़ ये कोई ग्राउंड नहीं है डाइवोर्स का, किसने छुपाया केस चल रहा है, डाइवोर्स नहीं है, मतलब ग्राउंड नहीं है, लेकिन तुम्हारे मतभेद वो हो जाएंगे आपस में कि ये तो झूठी है, इसने मतलब ट्रस्ट नहीं है, लॉयल्टी नहीं है, लॉयल नहीं है, वो दिक्कत हो जाएगी। अब तुम देख लो, तुम वो चाहती हो भाई लॉयल्टी टूट जाए वो अलग है, या फिर तुम वो चाहती हो कि भाई पता ही नहीं चले, वो आपके ऊपर है। बस मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दी, ठीक है? हालांकि देखो यार मैं सही बताऊँ, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं बताना चाहिए, मैं आपको सही बताऊँ, क्योंकि ना बता देते ना फिर कोई वो नहीं करता। अब मान के चलो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, तुम देख लेना जनरली क्या है, कोई भी लड़की है, ठीक है, एक कहते हैं कहावत है कि एवरी गर्ल इज ए क्यून अनटिल यू डोंट नो द सेक्सुअल पास्ट। अगर मान लो कोई तुम किसी लड़की को पसंद करती हो या लड़के को पसंद करते हो, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ लड़की के लिए, ठीक है, मान लो कोई लड़का है वो लड़की को पसंद करता है अच्छे से, उसको प्रपोज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और वो लड़की कह देती है कि मेरे तो 4 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, सबके साथ मैंने फिजिकल किया हुआ है। अब देखना उस बॉयफ्रेंड का जो भी है उसका ऑफर सब उसकी उसमें घुस जाएगा, समझ रहे हो? तो इस चीज़ को ना सोसाइटी में बड़ी वो देते हैं कि अगर किसी की वर्जिनिटी लूज़ हो जाती है ना तो उससे शादी वादी मतलब बहुत कम करते हैं लोग, ठीक है? अगर कोई कर रहा है तो वो मजबूरी में कर रहा होगा कि उसकी कहीं शादी नहीं हो रही होगी, या फिर कुछ ना कुछ मतलब बहुत झोल होते हैं, ठीक है? तो मत बताओ, ठीक है? और रही बात केस की, केस को बाहर बाहर निपटाओ, जैसे भी हो सके निपटाओ, उसको चलाओ, पर ये ना ग्राउंड तो नहीं बनता डाइवोर्स के लिए कि लड़की का रेप केस बन रहा था, इसने छुपाया, अब हम डाइवोर्स डालते हैं, ये कोई ग्राउंड नहीं है, वो अलग चीज़ है, ठीक है? क्योंकि जो भी क्राइम होता है ना वो स्टेट के खिलाफ होता है, ठीक है, स्टेट के खिलाफ होता है, वो उसका कोई पर्सनल मैटर नहीं होता इतना। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर, बाय।